हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लैंप के ऊपर है। बेसिकली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है कि हम कौन सा क्लैंप यूज़ करें। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे क्लैंप हैं, पर मैं आज आपको तीन टाइप्स के क्लैंप बता रहा हूँ जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं और इजी टू यूज़ हैं। वो तीन टाइप के क्लैंप हैं, स्प्रिंग क्लैंप, सी टाइप क्लैंप और एफ टाइप क्लैंप। एफ टाइप क्लैंप में आपको दो टाइप की वैरायटी बताऊंगा, एक है रेगुलर और एक है क्विक रिलीज क्लैंप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जो सबसे पहला क्लैंप है वो ये स्प्रिंग क्लैंप है। ये क्लैंप पूरा प्लास्टिक का बना होता है। अगर मैं मजबूती की बात करूँ तो अच्छा खासा मजबूत है और जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको अच्छी खासी ताकत लगाना पड़ेगी। साइज़ की बात करें तो ये तीन साइज़ में आता है, 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो 4 इंच आता है आपको कोई 10 पीस 500 रुपये के, मतलब पर पीस आपको कुछ 50 रुपये का पड़ता है। अगर आप साइज़ बढ़ा के लेते हैं मतलब 6 इंच तो आपको 2 पीस आते हैं 500 रुपये के। और फिर आप अगर 8 इंच लेते हैं तो ये आपको पड़ता है कुछ 1000 रुपये से लेके 900 रुपये के 2 पीस। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके जॉज एडजस्टेबल है। ये देखिए, ये आपके जॉज देख रहे हैं, ये एडजस्टेबल है, अपने आप को ये एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये तो हो गई इस क्लैंप की बात। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है कि सपोज़ आपको दो माइका या दो प्लाई आपस में जोड़ने हैं या दो कुछ पट्टियाँ जोड़ने हैं, आपने यहाँ पे फेविकॉल लगा लिया और आप बस ये क्लैंप को यहाँ लगा दीजिए, ये पट्टिया आपका ऐसे लग जाता है। बहुत अच्छे से लगता है, हिलता नहीं है, क्योंकि इस क्लैंप का जो जोड़ है बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया, बस अब ये मेरा काम हो गया। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है माइका लगाने के लिए? सपोज़ ये मेरी प्लाई है, मैंने यहाँ पे माइका लगा दी, अब मैंने 10 से 15 पीस इसके ले लिए, अब बस मैं एक के बाद यहाँ पे लगाते जाऊँगा। जो हमारे कारपेंटर भाई हैं उनको मालूम है कि हम लोग मास्किंग टेप लगाते हैं जिसमें टाइम जाता है, फिर हमें वो निकालना भी पड़ता है, बट ये क्लैंप आप ऐसे एडजस्ट करके पूरे में लगा सकते हैं। तो जो भी कोई DIY काम करते हैं या फिर बिगनर्स हैं उनके लिए ये वाला क्लैंप एकदम बेस्ट है। अब अगर मैं इस क्लैंप के वेट की बात करूं तो बहुत हल्का क्लैंप है, कुछ 41-42 ग्राम का। वेट वाइज इसका कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक का है, बट हाँ बहुत ज़्यादा अपने आप में मजबूत है। अब जो अगला हमारा क्लैंप है वो है एफ टाइप क्लैंप। एफ टाइप क्लैंप में दो वैराइटीज आती हैं, एक तो रेगुलर और एक क्विक रिलीज क्लैंप। सबसे पहले मैं आपको रेगुलर क्लैंप के बारे में बताऊंगा, फिर हम चलेंगे क्विक रिलीज क्लैंप पे। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मिल जाता है रबर ग्रिप हैंडल। दूसरा यहाँ पे देके रखा है PVC कवर। इसका फ़ायदा यह है कि सरफेस प्रोटेक्ट करता है। सपोज़ कोई माइका है या फिर ग्लास है जिसमें आपको लग रहा है कि स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए, तब ये आपको उससे स्क्रैचेस से बचाता है। अब अगर हम इसके साइजेस की बात करें तो ये आता है 6, 8, 10 और 12 इंच में। ये जो मेरा वाला क्लैंप है ये 12 इंच का है, ज़रा मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये पूरे 12 इंच का क्लैंप है। इसके बाद इसमें आपको एक 18 इंच का भी क्लैंप मिलता है जो कि है 450 mm का, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो आप लें और इतने बड़े क्लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, 12 इंच तक के क्लैंप बहुत होते हैं। जो एफ टाइप के क्लैंप हैं उनको हम बार क्लैंप और स्पीड क्लैंप भी बोलते हैं। ये जो आपको दो पोर्शन दिख रहे हैं ये कास्ट आयरन के बने हैं और ये जो पूरा है ये स्टील का बना है। आपको मालूम है कि कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है और ये जो है हमारा ये पूरा स्टील है। अब मैं अगर आपको इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मिल जाएगा 200 रुपये से कुछ 450 रुपये तक का, जो कि है 12 इंच का। एफ क्लैंप और सी क्लैंप में एक मेजर डिफरेंस ये है कि आपको एफ क्लैंप में वाइडर ओपनिंग कैपेसिटी मिल जाती है जो कि आपको सी क्लैंप में नहीं मिलती है। इसके लिए अगर आप कोई क्लैंप खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एफ क्लैंप लें। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा एफ क्लैंप है उसका वेट कितना है। तो ये मैंने इसको ऊपर रखा और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा 1 किलो के लगभग है, 850 ग्राम का है। अच्छा खासा हैवी है। तो आप देख सकते हैं हैवी इसलिए है क्योंकि ये जो रॉड है ये पूरी स्टील की है और इसमें बहुत ज़्यादा वेट है। खैर, ये रबड़ है बट ये फिर आपको आयरन मिलता है और ये कास्ट आयरन मिल जाता है जिससे इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वाला जो क्लैंप है पूरा वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको आराम से ले सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल फ्री स्पेस रहता है, ये ऊपर नीचे होता है। अब आपको कोई भी चीज़ क्लैंप करना हो, सपोज़ ये मुझे प्लाई क्लैंप करना है तो ये मैंने तीनों रखी यहाँ पर। अब मुझे क्लैंप करना है तो बस मैं इसको ऊपर यहाँ रखूँगा और यहाँ पे टाइट कर दूँगा। ये आपको दिख रहा है ग्रिप, इससे हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने टाइट कर दिया, ये मेरा क्लैंप फिक्स हो चुका है।
अब मुझे इसको खोलना है तो मैं इसको ढीला करूँगा, बस ढीला करा, अब मैं इसको नीचे कर दूँगा। ये देखिए बहुत ईजी टू यूज़ है। अब जो हमारा अगला क्लैंप है वो है क्विक रिलीज बार क्लैंप। क्विक रिलीज बार क्लैंप जितने भी हैं ये सब कलर तो चेंज हो जाएंगे, बट ये जो आपको रॉड दिख रही है ये ब्लैक फिनिशिंग के साथ ही आती है, और ये जो आपको इसके जॉज दिख रहे हैं ये पीवीसी के बने हुए हैं, ताकि जैसे मैंने पहले बताया था कि एफ टाइप क्लैंप में ये रहते हैं ताकि स्क्रेचेस आपके सरफेस एरिया पे ना आए। इस क्लैंप का यूज़ ये है कि ये 100 ट्रिगर है और बहुत इजी टू यूज़ है। हमें बाकी क्लैंप में दो हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बट ये क्लैंप पूरा एक हाथ से चलता है। और अगर मैं इसके ग्रिप की बात करूँ तो ये एकदम बिल्कुल पिस्टल ग्रिप है। अब हम लोग क्विक रिलीज बार क्लैंप को कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था 100 ट्रिगर है, अब कैसे यूज होता है ये देखिए। सपोज़ ये मेरे प्लाई है यहाँ पे, अब मुझे इसको क्लैंप करना है तो मैंने यहाँ पे इसको रखा, ठीक है। अब बस ये जो आपको ऊपर का बटन दिख रहा है ये रिलीज़ बटन होता है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा मैंने इसको नीचे करा, यहाँ पर फिक्स किया, ये मैंने इसको टॉप पे किया, दो बार दबाया, बस ये टाइट हो चुका है। यह आपने कितना अच्छा लग गया है। फिर ये रिलीज़ बटन है, ये मैंने प्रेस किया और इसको यहाँ से निकाल लिया। ये देखिए अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो सेम साइज़ आती हैं 6, 8, 10, 12 और 18। अब ये जो मेरा क्लैंप है 12 इंच का है, देखिए मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। ये मैंने ऊपर स्केल रखी और ये देखिए करेक्ट 12 इंच। इसका मैं आपको एक और बहुत अच्छा फंक्शन बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है बेसिकली ये डिज़ाइन, ये एक्चुअली बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। ये देखिए मैंने प्रेस किया, अब ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये मैं इसको आगे की तरफ धक्का दूंगा, ये मैंने आगे कर दिया। अब ये जो मैंने निकाला था मैं इसको पीछे की तरफ से लगाता हूँ, ये लगाया, और यहाँ पर जो आपको होल दिख रहा है यहाँ पर मैं वापस से इसको प्रेस कर दूंगा बटन को तो ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए अब ये फिक्स हो गया। अब मैं आपको थोड़ा ज़रा इसको पास में ला के बताता हूँ इसका एडवांटेज क्या है। कभी कभी क्या होता है, सपोज़ प्लाई का एक बॉक्स है, मुझे अंदर से दोनों तरफ धक्का देना है तब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा इस्तेमाल आप बाकी और किसी क्लैंप में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यही एक क्लैंप है जो अपोजिट डायरेक्शन में भी चलता है। ये वाले क्लैंप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पूरा पैसा वसूल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगनर्स हैं तो एक बार ये क्लैंप लेके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंगको के क्लैंप लीजिए, आपको जो भी कोई कंपनी अच्छी लगती है जिसका प्राइस पॉइंट आपको कम मिल रहा है टूल शॉप पे ऑनलाइन पे, आप उसके क्लैंप ले सकते हैं। चलिए तो अब हम वेट कर लेते हैं क्विक रिलीज बार क्लैंप का, और इसका वेट है 450 ग्राम। ये लगभग कुछ 450 ग्राम का है, और इसके पहले जो मैंने ये बताया था आपको रेगुलर वाला, इसका वेट आपको याद होगा ये अच्छा खासा भारी था, जो कि ये पूरे 850 ग्राम का। आप या तो ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं, वहाँ से भी जाके आप इनको ले सकते हैं। अब जो अगला हमारा क्लैंप है वो है सी टाइप क्लैंप। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं इनको कुछ 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने ये सब काम स्टार्ट किया था आज से 15-16 साल पहले, तब मैंने इनको लिया था और मैंने ये दो पेयर लिए थे। मैं इनको बहुत यूज़ करता हूँ और मैंने इनसे बहुत सारे काम भी किए हैं। अच्छा अब हम इनकी बात कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं सी टाइप क्लैंप क्योंकि आप देख रहे हैं सी जैसा है। ये जो मेरा क्लैंप है ये 3 इंच का है, इसमें बहुत सारे आपको साइजेस मिल जाएंगे, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, ये बहुत सारी साइजेस में आते हैं और हर लोकल टूल शॉप में ये अवेलेबल है। अच्छा अब ये बनते किससे, देखिए ये बनते हैं कास्ट आयरन से। अब ये कास्ट आयरन होता क्या है, अगर आप ये मेरा बेंच वाइज देखेंगे तो ये भी कास्ट आयरन से बनाए हैं, ये भी कास्ट आयरन से बनाए। तो कास्ट आयरन वो होता है जिसमें कार्बन ज़्यादा होता है, या हम बोल सकते हैं इम्प्योर लोहा है, मतलब अशुद्ध लोहा है, ये पूरा आयरन नहीं है। अब इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है कि इसमें कभी जंग नहीं लगती क्योंकि ये प्योर लोहा नहीं है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये टूट जाए तो इसमें वेल्डिंग नहीं होती, अगर ये जम के गिर जाए या बहुत फोर्सफुली गिरेगा तो ये टूट जाएगा। बट मैं 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, ना ये टूटे हैं ना ये फूटे हैं और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर अब मैं इसके वेट की बात करूँ तो ये अच्छे खासे हैवी होते हैं, ये देखिए यही कुछ है 250 ग्राम का, और अगर आप 8 इंच या 10 इंच के ले लेंगे तो वो 1-1 किलो तक के भारी होते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत स्टडी हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं।
तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने यूजफुल है हमारे क्लैंप, भले वो क्विक रिलीज क्लैंप हो या फिर वो रेगुलर हमारा एफ टाइप क्लैंप हो। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं, वहां से भी आप इनको ले सकते हैं। और हाँ, यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।